क्लास में हम मैथ सब्जेक्ट में सीखने वाले हैं डिवीजन। तो डियर आज का हमारे पास टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मींस डिवीजन में हम मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन कैसे करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है प्रीवियस क्लासेस में कि डियर जो मैथ सब्जेक्ट होता है हमारे पास वो हमारी डेली लाइफ से यूज होता है, तो और सारे टॉपिक्स जितने भी होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो हम मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं, अब हमारा डिवीजन चल रहा है। तो डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन का कैसे यूज होता है वो हम सीखने वाले हैं, क्या उसका रिलेशन होता है। तो एक एग्जांपल हमारे पास है, उसके थ्रू हम इस कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। डियर हेयर इज अ फोर एप्पल्स, फोर फोर मीन्स फोर एप्पल्स हैं और रो हमारे पास कितनी है, वन टू थ्री, थ्री रो है, मीन्स फोर टाइम्स, थ्री टाइम्स फोर एप्पल। ठीक है, तो वी राइट हियर थ्री टाइम्स फोर एप्पल्स। तो हम इसको कैसे निकालेंगे डियर, थ्री टाइम्स मीन्स थ्री की मल्टीप्लाई, टाइम्स मतलब अगर हम इस फॉर्म में राइट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन है, थ्री मल्टीप्लाई फोर इज इक्वल टू, आप फोर की टेबल थ्री तक लेंगे, मीन्स फोर एप्पल है और थ्री रो है तो फोर की टेबल आपको थ्री तक लेनी है, फोर थ्री जार ट्वेल्व। आई होप यू क्लियर द कंसेप्ट। सेम अगर यहाँ पे कुछ और होता तो आप उसके उतने ही टाइम्स रो और एप्पल्स काउंट करके, एक रो में जितनी भी एप्पल्स है वो काउंट करके आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो ये तो था हमारा मल्टीप्लाई। अब हम सीखने वाले हैं कि मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन कैसे होता है, इसी सम में हम डिवीजन सीखेंगे। तो हियर वी राइट थ्री टाइम्स फोर एप्पल, देन आंसर इज ट्वेल्व, देन वी राइट हियर ट्वेल्व एप्पल्स, ट्वेल्व एप्पल्स डिवाइड इन थ्री रो, मीन्स हम 12 एप्पल्स को डिवाइड इन थ्री रो, जो 12 एप्पल है उनको थ्री रो में डिवाइड करके हमें बताना है कि कितनी कितनी वन रो में कितनी एप्पल्स आएंगी। तो व्हाट वी डू, 12 डिवाइड का सिंबल हमारे पास ये है एंड थ्री रो, मीन्स थ्री के टेबल इतने तक लो कि आंसर उसमें 12 आ जाए। अब देखते हैं 12 कितने पर आता है, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, तो कितने पर आ रहा है आंसर हमारा 4 पर, 12 कितने पर आ रहा है डियर 4 पर, तो वी राइट हियर 4। तो डियर ये रिलेशन होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, 3 टाइम्स 4 एप्पल्स, हाउ मेनी एप्पल्स 12, देन 3 12 apples divided in 3 rows, then how many in 1 row, 4 in 1 row and total 12 in 3 rows. I hope you clear the concept.